हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद में मैंने वीडियो अपलोड की है, क्वेश्चन की थी। बट फ्रेंड्स, सभी को पता है मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में मैंने रिकवर किया और अभी मैं उनके काम में लगा हुआ हूँ। तो मैंने 5 मिनट का पापा के पास टाइम लिया है और आपके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जितना प्यार मिला शायद मुझे आपके से किसी से नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आप मेरी फैमिली की तरह हो। फिर आपका थैंक्स अलोट जिसने भी कमेंट किया, ओके थैंक यू वेरी मच। ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको बताने चाहता हूँ आज जो जोधपुर एम्स के अंदर जो वैकेंसी निकली है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर के अंदर। ओके तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो एक PDF जारी हुआ है वो डेट हुआ है 28 मई को। ओके तो ये आज ही के दिन अपलोड हुआ है ये PDF। इसकी क्या है वैकेंसी और कब इसको अप्लाई कर सकते हो, कितनी होगी पोस्ट है, सारी डिटेल के लिए बने रही है। ओके रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट फॉर हॉस्पिटल सर्विस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ओके ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे बात पहले बात बताऊँ तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। ओके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी कि ये आपको GNM स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपकी निराशा आपके हाथ लगेगी, क्योंकि आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होगी। ओके तो मैं आगे बात कर लेता हूँ, इसकी पोस्ट की बात कर लेता हूँ, सारी चीज़ें बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आएगी। पे ग्रेड की बात करें तो 9000 तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो BSc नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होता है, डेफिनेटली सबको पता है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आप होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए पहली बात, और BSc नर्सिंग पास आउट होना चाहिए। ओके जो और के अंदर दिया गया वो देख लीजिए, BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट और एवोकलेंस सच है जब BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ओके अब GNM के लिए खुशखबरी ये है कि GNM अगर आप भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपने कंप्लीट कर लिए है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके और जो सेकंड क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। वो मैंने पहले आपको बात बताई कि इंडियन आपको स्टेट वाइज होनी चाहिए और इंडियन की होनी चाहिए। ओके अब पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ही टॉपिक बच रहा है इसमें एक्सपीरियंस की, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स ग्रेड 2 आफ्टर BSc नर्सिंग। ओके अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, तो डेफिनेटली इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस तो नेसेसरी होगा। ओके और अगर ये 200-bedded हॉस्पिटल का आपका नहीं है तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट नहीं होगा, इसमें रिक्वायरमेंट आपका पॉसिबल नहीं होगा। आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ओके और 200-bedded का तो बात कर लेते हैं, ग्रेड रहेगा बी, एज रहेगी 35 ईयर्स से आप पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके पोस्ट की बात करें तो पोस्ट काफ़ी अच्छी दी गई है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ 2000-3000 नहीं है, हमारे नर्सिंग के अकॉर्डिंग तो 127 बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है। ओके जनरल के 65, OBC की 34, SC की 19, ST की 09। ओके 9 तो बात कर लेते हैं, रिटर्न टेस्ट ओनली। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, सबसे पहले होगा रिटर्न टेस्ट। ओके ओनली इसमें जोधपुर में सिर्फ रिटर्न टेस्ट होता है। अब जो मेन चीज़ है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, वेबसाइट का लिंक दिया है, PDF का लिंक दिया है, और लास्ट वो बात सुन लीजिए कि इसकी डेट क्या होगी। अभी आपके पास 1 मंथ पड़ा है, 1 मंथ तक आप अप्लाई कर सकते हो, 27 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सारा होगा, तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके और थोड़ा मैं बिजी हूँ तो डेफिनेटली मैंने टाइम निकाला आपके लिए, इसके लिए इसका श्रेय मैं आपको खुद को देना चाहता हूँ, आप सभी को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। ओके तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सपोर्ट देने के लिए। ओके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक जरूर लें PDF का, साइट का। ओके खुश रहो, खुश रखो, बाय फ्रेंड्स।